الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وكافة الأولياء الكرام والعلماء الفخام ذوي الاهتداء لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواص سيدنا ومولانا الغوث الأعظم الجيلاني غوث الورى وعلى خاتم المجددين والمحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوق كل ذي علم عليم وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی میری موجودگی میں آپ نے شاعر اسلام عظمت رضا بھاگلپوری سے بڑا اچھا کلام سنا اور شاعر اسلام جناب حبیب اللہ فیضی صاحب سے چند مصرے سنے بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت عمدہ پڑھتے ہیں مگر انہوں نے اپنے علاقے میں
इस बात का ख्याल किया, लिहाज रखा कि मेरी तकरीर टाइम पे हो जाए। मगर आप जिस अंदाज से बैठे हैं कि टुक टुक दीदम दम न कशीदम, अच्छा ये आपका ही हाल नहीं है, ऊपर वालों का भी हाल ऐसा ही है। क्यों हजरात, जरा कुछ दिलजमी के साथ सुनिए और कुछ ईमानी जज्बा आपके पास हो उसके साथ सुनिए तो कुछ लुत्फ ही और आएगा, वरना हमें जो कुछ बयान करना है हम तो बयान करके चले जाएंगे। आपको ईमानी लज्जत भी तो आनी चाहिए, तो बुलंद आवाज से अपने सरकार को पुकारिए, जितना जिसका ईमान मजबूत हो जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। ऊपर वाले कमजोर हैं क्या? और जिंदा दिली से बोलिए एक बार या रसूल अल्लाह। ये आदमी नहीं बोला, बिल्कुल होठ ही नहीं खुले। और एक बार पूरी ताकत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला, पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका वाला आलिका वसहाबिका वबारक वसल्लम दाइमन अबदा। हजरात ये कॉन्फ्रेंस कई उनवान के साथ मुनक्किद हुई है। क्या क्या है? तालीमी कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया तालीमी मंच और अब तो हो गया। तीन चार मौजू हैं इस कॉन्फ्रेंस के और एक एक मौजू कई एक लोगों ने मुझे बताया इस पे भी बोलना है, इस पे भी बोलना है, इस पे भी बोलना। ठीक है, मैं इंशाल्लाह लिहाज करूंगा इस चीज का। मैं सरकारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कलाम के चंद मिसरे पेश कर रहा हूं, चंद शेर। अगर आप दिल से सुने ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। सबसे औला आला हमारा नबी, इधर वाले देखिए, जिसको अल्लाह ने जबान दी है, जिसके मुंह में जबान है और बोलने की ताकत है, वैसे बौरे भी होते हैं गूंगे भी होते हैं, के पास जबान होती है लेकिन बोलने की ताकत नहीं होती। आपको अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, अगर अपने नबी के नाम पर सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, अपने नबी की नात में सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, अपने नबी की शान में तकरीर में सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, तो फिर कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। सब बोलिए हमारा नबी, सब पढ़िए मेरे साथ चल के, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा
समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा। समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्क कौनैन में मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का हमारा नबी हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी गमजदों को रजा मुजदा दीजे के है गमजदों को रजा मुजदा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी हमारा आपका रब जल्ल मजदू वामन अबालू इरशाद फरमाता है فوق كل ذي علم علي यानी हर इल्म वाले के ऊपर बड़ा इल्म वाला है। अब मैं ये सैकड़ों की तादाद में उलमाए किराम तशरीफ फरमाए हैं, मैं इनकी खास तवज्जो चाहूंगा। क्यों क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चलो 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 अच्छा चलो हजरात, क्योंकि आठ आठ दस दस साल दरसे निजामी इन्होंने हासिल किया पढ़ा और दरसगाहों में हाजिरी दी है, तो ये ज्यादा जानते हैं इन चीजों को। और आपका भी मैं भरपूर लिहाज रखूंगा कि आप भी अच्छी तरह समझें। देखिए हमारा परवरदिगार जल्ल मजदू फरमाता है फौक कुल ज़ी इल्म अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। ये कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं, ये हजरात, इन्होंने तालीम दीन के ताल्लुक से जो मौजू रखा है ये इनकी जिंदा दिली का सबूत है। ना इस दौर में इल्म से मुताल्लिक ना गुफ्तगू कोई करता है ना कोई करवाता है,
मौलाना साहब। अरे बोलो क्या बात है यार, ये मौजू बहुत दूर जा चुका है। और याद रखिए, इल्म ही जान है, इल्म ही शान है, इंसान की इल्म ही रूह है। अगर इल्म हो तो सब कुछ। लड़के भाई साहब अब बैठ जाओ, अब ये टाइम उठने का नहीं है। एक आदमी भी उठेगा ना तो ज़हन बिगड़ेगा। मैं बहुत कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। इल्म के सामने हर चीज पस्त है। अल्लाह पाक ने एक जगह फरमाया, हल यस्तविल लजीन यालमून वल्लजीन ला यालमून। क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? अल्लाह पाक सवाल फरमाता है कि महबूब पूछो इनसे, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? जवाब क्या है इसका? हाथ उठा के बताओ, ऐसे बराबर है क्या? यार तुम तो ऐसा लग रहा है कि अक्सरियत इस बात को कह रही है कि बराबर है। आलिम और जाहिल बराबर हैं, बोलता क्यों नहीं ऐसे नहीं है? बराबर नहीं। इल्म वालों की शान तो बहुत बुलंद है। जो इल्म हासिल करने के लिए बच्चा चलता है, एक तालिबे इल्म जब इल्मे दीन के लिए सफर करता है तो उसकी शान कितनी बुलंद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीकन यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्ना। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जो अपने नबी के सच्चा गुलाम है, हदीस का जुमला सुन के बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, सरकार फरमाते कि जो तालिबे जमीन पे चलता है इल्मे दीन हासिल करने के लिए, जो जमीन पे चलता है इल्मे दीन के लिए, या कोई मसला पूछने के लिए, कोई फतवा तलब करने के लिए, नहीं है ये तालिबे इल्म है। इल्म की तलब में निकला है घर से, और पहली बार ही क्यों ना निकला हो। आप लोग भी इस हुक्मे उमूमी में दाखिल हो जाएंगे अगर नियत अच्छी हो, कि जो इल्मे दीन को हासिल करने के लिए चाहे जलसे में आए, चाहे मदरसे में जाए, चाहे खानकाह में जाए, जो इल्मे दीन हासिल करने के लिए घर से चलेगा, तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, सलकल्लाहु बिही तरीकम मिन तुरुकिल जन्ना। ये जमीन पे चलेगा मगर अल्लाह पाक उसे जन्नत के रास्तों में चलाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा। वाह, जमीन पे हम चले बसूरत तालिबे इल्म, और खुदा में जन्नत के रास्तों में चलाता है। शान देखिए इल्मे दीन की, अभी कुछ किया नहीं है। अभी तालिबे इल्म ने कुछ एक सबक भी पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी कुछ नहीं, पढ़ने के लिए जा रहा है। अभी इल्म हासिल नहीं किया, इल्मे दीन हासिल करने के लिए घर से निकला है, मगर ये घर से निकला और जन्नत ने उसका इस्तकबाल कर लिया। और फिर मजे की बात यह है कि तालिबे इल्म चल रहा है महुआ टाड़ में, ये कौन सा तालिबे इल्म घर से निकला पिपरा से, मधोपुर से घर से निकला है। अभी तालिबे इल्म चला है जोखनपुर से,
तालिबे इल्म चला है बरेली शरीफ से, तालिबे इल्म चला है मुबारकपुर से, कहीं से भी तालिबे इल्म चला अपने घर से पहली मर्तबा ही निकला और जन्नत ने उसका इस्तकबाल कर लिया और मदीने वाले आका ने फरमाया अल्लाह उसे जन्नत में चला रहा है। कहां मदीना है और कहां जन्नत है, या जन्नत तो सातों आसमानों से ऊपर है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि जन्नत सातों आसमानों से ऊपर है। बद मजहब भी मानते हैं, बद अकीदा भी मानते हैं कि जन्नत आसमानों से ऊपर है। किसी फिरके का मानने वाला क्यों ना हो, वो मानता है कि जन्नत आसमानों से ऊपर है और सब ये जानते हैं कि मदीना जमीन पर है, मगर वारे मेरे मुस्तफा मदीने में बैठकर तालिबे इल्म निकल रहा है पिपरा से इल्मे दीन के लिए और आप मदीने में आराम करते हुए देख रहे हैं कि इसके कदम पिपरा में नहीं जन्नत में पड़ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते मुस्तफा, वाह क्या कहने हजरत, जवाब नहीं वाह। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका से अर्ज करने लगे, हे आका या जन्नत क्या है, कितनी दूर है, अर्श आजम तो उससे कहीं ज्यादा दूर है, मगर आपकी शान ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। आहा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह कंजूसी मत करो, जोर से बोलो, भाई साहब चचा उठ गए, रुके 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 भाई रुके, चचा उठ गए, चचा है हाय हाय हजरत हजरत, वाह नहीं तो पीछे बैठ जाओ लोग देख ले हजरत, चचा घोसला देखिए चचा, हाय हाय चचा हाय हाय, वाह अल्लाह हू अकबर। हजरात दिल लग रहा है तो सब लोग मिलकर जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, तो मुस्तफा जाने रहमत की ये नजर है, नजर अब नजर की बात करूं मैं, देखो मेरे मुस्तफा और क्या फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतदउ अजनहता रिदल तालिबिल बेशक अल्लाह पाक के मुकद्दस फरिश्ते तालिबे इल्म के लिए तालिबे इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं, बेशक हक है वाह पर बिछाते हैं। इधर के लोग सुन रहे हो कि नहीं, कुर्सियों पर बैठे हुए हाथ उठा के बोलो कैसा लग रहा है तुमको, पिपरा वाले फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, अल्लाह अकबर, फरिश्तों के पर मुकद्दस, क्या कह रहा हूं यार मैं, फरिश्तों के पर मुकद्दस हैं, वहां तकदीस ही तकदीस है, तहारत ही तहारत है, यफ़अलून मा युमरून वो वही करते हैं जिसका हुक्म मिलता है, तो फरिश्ते तो सरापा तहारत हैं, पाकी ही पाकी हैं, और हम जैसे गुनाहगार नापाक तालिबे इल्म
मगर ये फरिश्ते हैं कि उसकी खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, तालिबे इल्म के लिए हदीस के क्या अल्फाज हैं। रिज़ल तालिबे इल्म, तालिबे इल्म की खुशी के लिए। अब मुझे एक बात आप बताओ, आप भी जानते हैं, सब छोटे बड़े सब जानते हैं, काम अल्लाह की खुशी के लिए करना चाहिए या किसी और की? इसके लिए बोलो, किसकी खुशी के लिए? ऊपर वालों, किसकी खुशी के लिए? अल्लाह की खुशी के लिए काम करना चाहिए। और हुजूर फरमाते हैं वो फरिश्ते तालिबे इल्म की खुशी के लिए किसकी खुशी के लिए? तालिबे इल्म की खुशी के लिए। ये क्या बात है? क्या फरिश्ते नहीं जानते कि हर काम अल्लाह की खुशी के लिए होना चाहिए? तो तालिबे इल्म की खुशी के लिए ये काम क्यों कर रहे हैं? अरे आप देखो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये महबूब ऐलान कर दो कि बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है, तमाम आलमों के परवरदिगार के लिए है। तो अल्लाह के ही लिए सारे काम होते हैं, मोमिन के सारे काम होते हैं, ईमान वालों के। मगर ये क्या मामला है कि फरिश्ते जो पर बिछा रहे हैं तो तालिबे इल्म की खुशी के लिए बिछा रहे हैं? क्या मतलब है इसका? हुजूर ने ये ज़ेहन बना दिया इल्मे दीन की अजमत के लिए। ए लोगों, तालिबे इल्म जो खुश होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। फरिश्ते जानते हैं कि तालिबे इल्म खुश हो गया तो मुस्तफा खुश हो जाएंगे, और मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश हो जाएंगे। तालिबे इल्म की खुशी के लिए ऐसा हो रहा है। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक के मुकद्दस जुमले देखें कि ये तालिबे इल्म की शान है। अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने का इरादा रखता है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसकी शान अल्लाह ने कितनी बुलंद कर दी। अब आलिम की क्या शान है? सरकार फरमाते हैं, इन्नल गालिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हूत फी जौ हत्तल हूत फी जौ फिल मा। बेशक आलिमे दीन के लिए जमीन व आसमान की हर चीज मगफिरत की दुआ करती है, दुआए खैर करती है। आलिमे दीन के लिए जमीन व आसमान की हर शय, यहाँ तक के पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो भी आलिम के लिए दुआए खैर करती हैं। एक हदीस में आया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते भलाई सिखाने वाले के लिए, खैर की तालीम देने वाले के लिए, सरकार फरमाते हैं उस पर रहमत भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं, उसके लिए दुआए खैर करते हैं। अल्लाह रहमत भेजता है, फरिश्ते दुआए खैर करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। किसके लिए? जो लोग भलाई सिखाते हैं। ए लोगों, आपने इसकी अहमियत को नहीं समझा। एक मुदर्रिस अपने छोटे से मदरसे के अंदर, एक इमाम अपनी मस्जिद के हुजरे के अंदर जो इल्म सिखा रहा है, भलाई की बात सिखा रहा है, तो ये तो यहाँ सिखा रहा है, मगर अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमत के लिए दुआएं करते हैं, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और खुदा उस पर रहमत उतारता है। कोई मामूली बात है ये? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहाबी मुबारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुअल्लिमे
खैर पर अल्लाह की रहमत उतरती है, मगर हमने ये काम छोड़ दिया। जब ये उम्मत, इस उम्मत की शान यही है कि इस उम्मत को अल्लाह पाक ने खैरुल उम्म बनाया। क्यों फरमाया, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। तुम्हें अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया कि तुम अगलों पर गवाह हो जाओ और तुम्हारे ऊपर रसूल गवाह हो जाए। कायद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम भलाई की तालीम देते हो, बुराई से रोकते हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, इसलिए हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बना दिया। भलाई का हुक्म देना बहुत बड़े सवाब का काम है। हे मेरे अजीजों, इसमें देखो जो आयत मैंने तिलावत की है, आयत का टुकड़ा فوق كل ذي علم عليم, हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। देखो भाई मौलाना लोगो, तरकीब इबारत यूं भी हो सकती थी, فوق कुल ज़ी इल्म के बजाय तहता कुल ज़ी इल्म अलीम, हर इल्म वाले के नीचे इल्म वाला है, हर इल्म वाले से नीचे इल्म वाला है, मगर अल्लाह ने तहत नहीं फरमाया, फौक फरमाया। फौक कुल ज़ी इल्म अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है, यानी जहाँ इल्म आ जाता है वहाँ नीच खत्म हो जाती है, ऊंचाई आ जाती है, बुलंदी आ जाती है। वाह वाह क्या कहने, वो बुलंद वाला है। हे हे वाह, इल्म जितना हो वो बुलंदो बाला होता है। आदमी अब जितना इल्म ज्यादा उतनी बुलंदी ज्यादा, जितना इल्म ऊंचा उतनी बुलंदी ऊंची, उतनी बुलंदी पर वो जाएगा। जितना बड़ा आलिम होगा उतना ही बुलंद होगा, क्योंकि इल्म ये बुलंदी जो है वो इल्म की वजह से है। जैसे जैसे इल्म ऊंचा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, बुलंदी ऊंची होती जाएगी, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। ये लोगों, ये हम लोग जो इल्म वाले हैं, इल्म में भी नीची नीच और ऊंच मौजूद है, हम उनसे ऊंचे वो, उनसे ऊंचे वो, उनसे ऊंचे वो, और इस सदी के, पिछली सदी के अंदर सारी दुनिया में सबसे ऊंचे आलिम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सारी दुनिया में सारे नबियों और रसूलों में सबसे ज्यादा इल्म वाले हमारे आका, इसलिए ये फौका कुल ज़ी इल्म अलीम हमारे मुस्तफा के ऊपर सादिक आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये इल्म की ऊंचाई हर चीज की बुलंदी से, इल्म की बुलंदी हर चीज की बुलंदी से ज्यादा होती है। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा, इसलिए हुजूर का मर्तबा भी सारी कायनात से ज्यादा है। और मर्तबे की शान तो मेरे मुस्तफा की यह है, अल्लाह के हबीब खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने इरशाद फरमाया, महबूब मैंने तुम्हारे दर्जे को बुलंद किया है, ऊंचा किया है, इस तौर पर मैंने बुलंद किया तुम्हारे दर्जे को। मेरे महबूब, जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा तब तब तेरा जिक्र किया जाएगा, जहां जहां मेरा जिक्र किया जाएगा वहां वहां तेरा जिक्र किया जाएगा। मुस्तफा हर जगह किया जाएगा, जहाँ तक जहाँ जहाँ खुदा का जिक्र किया जाएगा। अब कोई आदमी अगर जिक्र मुस्तफा छोड़ दे और सिर्फ जिक्र खुदा करे, और इसी नात के साथ कि नबी के जिक्र की क्या जरूरत, हमें खुदा ही काफी है, हमें अल्लाह ही काफी है, नबी की हमको क्या जरूरत, तो उसका जिक्र भी मर्दूद हो जाएगा, खुदा पाक कबूल न फरमाएगा। जिक्र खुदा जो से जुदा चाहो मुनकिरो, वाह वाह,
जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हजरत क्या करूं अब मैं इस मजमे को बताओ परवाह मत करो ये अल्लाह के हबीब की शान बयान हो रही। अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने इरशाद फरमाया तिलकर रुसुल फल्ला बअदहुम अला बअद ये रसूल हैं बुलंद रुतबा रसूल हमने बास को बास पर फजीलत अता फरमाई है बास को बास से अफजल किया है। हर नबी को अल्लाह ने अजमत अता फरमाई और नबियों से रसूलों को अजमत अता फरमाई उनकी अजमत ज्यादा बढ़ाई और 313 रसूल बनाए अल्लाह पाक ने। उन 313 में 5 पैगंबरों को सबसे ज्यादा हजरत नूह नजीउल्लाह बड़ी अजमत वाले हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बड़ी अजमत वाले हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह हजरत ईसा रूहुल्लाह बड़ी अजमत वाले हैं मगर ये 4 रसूल और 5 में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इनको उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं। उन 4 से भी ज्यादा मर्तबा हमारे मुस्तफा का है। सारी कायनात में सबसे ज्यादा मर्तबा हमारे मुस्तफा का है। अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने ये मुस्तफा जान रहमत की शान पिछली किताब अगली किताबों में भी बयान फरमाई जो आसमानों से किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई उन किताबों में हमारे मुस्तफा का तस्किरा किया बड़े अच्छे अंदाज में उनकी तारीफ की और मुस्तफा जान रहमत की बशारतें अल्लाह पाक ने उतारी और हर नबी से ये वादा लिया अल्लाह पाक ने कि जब तुम्हारे पास मेरा आखिरी रसूल आ जाए तो ए मेरे नबियों एक वादा अल्लाह ने लिया महबूब याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे रब ने नबियों से वादा लिया मजबूत वाला मजबूत वादा लिया कि जब तुम्हारी नबुव्वत का सूरज आसमानों पर चमकता हो और तुम्हारे शोरे हो और तुम्हारे डंके बज रहे हो उस वक्त अगर मैं तुम्हारे पास मेरा हबीब आ जाए आखिरी रसूल आ जाए जो तुम्हारी तस्दीक के 7 किताबें हैं उनकी तस्दीक करने वाला रसूल आ जाए जब रसूल आ जाए ए मेरे नबियों और पैगंबरों उस वक्त तुम्हें अपनी रिसालत के बजाय मेरे महबूब की रिसालत पर ईमान भी लाना है और सारी उम्मतों को इन्हीं का उम्मती बनाना है और उनकी मदद भी करना है उनकी मदद भी करना है। हे लोगों ये शान है मेरे मुस्तफा की अल्लाह पाक ने वादा लिया नबियों से और ये पूछा कि बोलो अकरार तुम क्या तुमने इकरार कर लिया। अभी नबी जवाब नहीं दे सके हैं जवाब नहीं दिया उन्होंने फौरन अल्लाह पाक ने फरमाया फशहदू हाँ जवाब दिया नबी कहने लगे अकरना कालू अकरना कहने लगे हमने इकरार किया अल्लाह जो तूने हमने वादा लिया हमने इसका इकरार कर लिया। काला फशहदू फरमाया तुम एक दूसरे के गवाह भी बन जाओ मेरे नबी की अजमत पर एक दूसरे के गवाह बन जाओ वाना माकुम मिन शाहिदीन और मैं तुम सबका गवाह हो जाऊंगा मैं तुम सबका गवाह तुम्हारे साथ गवाह हूं मैं से मैं भी हूं। अल्लाह अकबर ये शान मेरे मुस्तफा की उस वक्त बयान की अल्लाह पाक ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अजमत ऐसी बयान फरमाई अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने अल्लाह के हबीब
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहाबी व बारक व सल्लम की शान देखिए। कयामत के दिन अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नूर की कुर्सियां हर नबी के लिए बिछाएगा, हर नबी को नूर की नूर के मिंबर पर बिछाया जाएगा, हर नबी को। नहीं, उनको रहने दो, उनको तो मिंबर पर सारे नबी बैठ जाएंगे। सरकार फरमाते हैं कि मेरा मिंबर खाली रहेगा, नूर के मिंबर होंगे, हर नबी के लिए मिंबर बिछे होंगे, कुर्सियां लगी होंगी। सरकार फरमाते हैं मगर मेरा मिंबर खाली रहेगा। क्यों खाली रहेगा? हुक्म तो अल्लाह ने सबके लिए दिया कि तुम अपने अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, मगर हुजूर का मिंबर क्यों खाली रहेगा? इसलिए कि हुजूर जानते हैं कि जब मैं नहीं बैठूंगा तो मेरा खुदा मुझसे पूछेगा जरूर कि महबूब अपनी कुर्सी पे तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो। और जब मुझसे पूछेगा तो मैं सवाल करूंगा, अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहाबी व बारक व सल्लम फरमाते हैं कि जब मैं नहीं बैठूंगा तो मेरा रब मुझसे पूछेगा महबूब क्यों नहीं बैठे, बैठ जाओ। तो मैं उस वक्त अर्ज करूंगा, ए मालिको अल्लाह, मैं बैठूंगा जरूर तेरा हुक्म है, मगर मेरी अर्ज ये है कि अल्लाह मेरी गुजारिश ये है तेरी बारगाह में, मेरी अर्ज ये है कि तू मेरी उम्मत को बख्शने का वादा कर ले। अगर तू मेरी उम्मत को बख्शिश का वादा देगा तो मैं जरूर बैठ जाऊंगा। अल्लाह पाक फरमाता है, ए प्यारे हबीब, जो तुम चाहोगे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैं करूंगा। मैंने तो वादा दिया है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हें तुम्हारा रब वो सब कुछ देगा जिससे तुम राजी हो जाओगे, जिससे तुम राजी हो जाओगे। मौसम बिगड़ रहा है क्या? जिससे तुम राजी हो जाओगे वो मैं सब कुछ तुम्हें अता फरमाऊंगा। ये तो मैंने कुरान में वादा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहाबी व बारक व सल्लम की शान देखिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तब मैं कुर्सी पे अपनी बैठूंगा, मैं अपनी कुर्सी पे तब बैठूंगा कयामत के दिन, मेरे परवरदिगार मेरा परवरदिगार मुझसे वादा कर लेगा मेरी उम्मत की बख्शिश का, तब मैं बैठूंगा। ये नाज है जो अल्लाह पाक अपने हबीब के उठा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजो, अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुछ बहुत कुछ कयामत के ताल्लुक से बयान फरमाया और अपनी अजमत बयान फरमाई सरकार ने, जो अजमत अल्लाह ने उनको अता फरमाई। अब मैं चाहता हूं कि चंद मिनट के लिए आप खड़े हो जाओ मेरे अजीज, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, उलमा बैठे रहेंगे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग खड़े हो जाओ, सब लोग, सब लोग खड़े हो जाओ। और मैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान आपको दिखाना चाहता हूं, मैदाने में शर्म क्या हो। खड़े हो जाओ, करीब आ जाओ मेरे अजीजों। जो जो अपनी बख्शिश कराना चाहता है, हुजूर की शफाअत जो चाहता है, वो दौड़ा हुआ चला आए। जो पिंडाल से बाहर है वो भी आ जाए। और जरा देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे अजीजों, तुम लोग भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, औरतें बैठ जाएं, चलो जो चाहे वो करें, चाहे बैठे चाहे खड़ी रहे, इधर आओ, करीब आ जाओ मेरे अजीज, देर मत करो, देर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, करीब आओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहाबी व बारक व सल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखो मैं बयान करूंगा, आप बढ़ते आओ आगे आगे, अगर जरा सी भी जगह हो तो वो पूर करो, आगे बढ़ो। काले कपड़े वाले आगे बढ़,
आगे बढ़ो और खड़े रहना ऐसे ही।